हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। रश्मि फूड हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी एक और बिस्किट की रेसिपी, जिसे हम कौन सी आटे से बिस्किट बनाने के बनाएंगे? लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है, आधी कटोरी हमने यहाँ पर देसी घी ले लिया है, आधी कटोरी हमने पिसी हुई शक्कर ले ली है, एक चम्मच हमने पोस्ता दाना ले लिया है और एक चम्मच हमने सारे ड्राई फ्रूट को पीस कर ले लिया है। और यहाँ पर मैंने कुनकुना पानी लिया है, तो चलिए यहाँ करते हैं पर एक बनाना बाउल स्टार्ट। ले और लिया है। इस पर मैं डालूंगी ये घी। घी हमारा ज़्यादा पिघला हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, जमा हुआ होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। और इसी पे मैं ऐड करूँगी अपनी पिसी हुई शक्कर, ये देखिए इस तरीके से। और दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है क्रीमी टेक्सचर तक। ये देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे शक्कर और घी का मिक्सचर अभी ड्राई लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने जो कुनकुन पानी लिया है ग्लास पर, इसे भी थोड़ा सा डालूंगी इस तरीके से। और इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए आप देख देखिए पा रहे फ्रेंड, हैं। हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इस पर डालेंगे एक चम्मच पोस्ता दाना इस तरीके से, और ये एक चम्मच जो ड्राई फ्रूट हमने पीस कर रख लिए हैं, और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। आप यहाँ देख पर पा एक रहे छन्नी होंगे। ले ली है और इस पर मैंने अपना ये गेहूं का आटा ले लिया है, और इसे हमें अच्छी तरीके से चाल लेना है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इस और तरीके इसे से भी हमें अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए हल्के हाथों से, ज़्यादा तेज हमें नहीं घुमाना है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं। और एक फाइन डो बनाकर हमें तैयार तो करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें हाथों की सहायता से इसका फाइन डो तैयार करना है। इसमें हमें ना ही बेकिंग सोडा डालना है, ना ही हमें बेकिंग पाउडर डालना है, क्योंकि आज की ये बिस्किट मैं आपको बिना बेक किए कढ़ाई पे फ्राई करके बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, डो हमारा बिल्कुल तैयार है बिस्किट बनने के लिए। इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के देंगे। देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छी तरीके से तैयार है बिस्किट बनने के लिए। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर एक पटा ले लिया है और एक बेलन ले लिया है। आप चाहें तो इसे चॉपिंग बोर्ड पर भी बेल सकते हैं। अब मैं इस तरीके से इसे गोल गोल पहले लड्डू की तरीके से बनाऊंगी, जैसे आप रोटी की लोई बनाते हैं ना, उस तरीके से हमें इसे बना लेना है। ये देखिए मैंने बेलन पर थोड़ा सा घी लगा इस लिया तरीके से है, इसकी लोई बनाकर तैयार किया है। अब मैं बेलन से इसे बेलूंगी। ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना है, इसे मोटा ही रखना है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से तो इसे देखिए बेल फ्रेंड, लूंगी। हमने रोटी की तरह इसे बेल लिया है, ज़्यादा पतला नहीं बेला है हमने, मोटा ही हमें रखना है। और अगर आपके पास कोई कुकी कटर हो या कोई भी ढक्कन अवेलेबल हो तो आप उससे अपनी बिस्किट काटिए। मैं यहाँ पर एक ढक्कन ली हूँ और उसी से मैं अपनी बिस्किट को काटूंगी इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, हमने सारे बिस्किट को एक ढक्कन की मदद से काट लिया है और इसके सारे ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हम निकाल देंगे। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से हमारी बिस्किट के ये जो किनारे के भाग हैं वो निकल कर तैयार हैं। ये देखिए तो फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, हमने अपनी बिस्किटों को काट लिया है। देखिए कुछ इतनी मोटी होनी चाहिए बिस्किट, ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा पतली नहीं होनी फ्रेंड चाहिए। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इस पर तेल डाल लिया है। तेल हमारा अच्छी तरीके से जब गर्म हो जाएगा तभी हमें इस पर अपनी बिस्किटों को डालना है। आज हम बिना बेक किए फ्राई करके आपको बिस्किट बनाना बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तेल हमारा ये गर्म हो देखिए चुका अब है, हम एक एक करके अपनी बिस्किटों को इन पर डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, नहीं तो बिस्किटें हमारी जल जाएंगी। और जब ये थोड़ी सी सिक जाएं तो हमें गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर देना है, ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से खस्ता क्रिस्पी बिस्किट हमारी तलकर तैयार हों। ये देखिए ये आटा बिस्किट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आपके तेल में एक बार में जितनी बिस्किट आए उतनी ही डालिए, ज़बरदस्ती मत डालिएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, एक तरफ से बिस्किट हमारी सेक चुकी है, अब हम इसे पलट लेंगे और निकाल लेंगे अपनी प्लेट दोनों तरफ पर। से ये बिस्किट हमारी सेककर कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया फूल कर डबल हो गई है। अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बनकर तैयार है हमारी ये आटा बिस्किट। हमने इसे अच्छे से फ्राई करके प्लेट पर निकाल लिया है। आज की ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक मैं आपको ऐसी ही आसान सी वीडियो लेकर आती रहूंगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।